ये आपने लास्ट लास्ट कह के तीसरा चौथा सवाल है। तो जो 30 सेकंड का जो और 1 मिनट वाला जो एक्टिंग चल रहा है उसको लेकर क्या बोलेंगे? जब जब नई जनरेशन आती है तो अपने साथ हमेशा कुछ नया लेके आती है, इसीलिए हम कह देते हैं कि अब पहले वाली बात नहीं है। छत्तीसगढ़ और भिलाई शहर आप कितना समझ में आया और कैसा लगता है ये शहर? जिस तरह क्लास में एक लड़का या दो लड़के ही फर्स्ट सेकंड आते हैं, बाकी बेचारे हमारे जैसे किसी तरह से गाइडेंस नकल मार के पास हो जाते हैं। थिएटर किया हुआ जो एक्टर होता है या फिर नॉन थिएटर किया हुआ जो एक्टर होता है, इनमें हम क्या पहचान सकते हैं? आपने 300 से ज़्यादा मूवी की है सर, कोई ऐसी एक फिल्म जो आपको अब तक याद है और आपको लगा हो कि ये फिल्म मेरे से कभी नहीं छूटेगी, मतलब मेरे दिल से नहीं निकलेगी, मेरे आपके अंदर तक समा गई? कहीं बकबक मत करो, सुनने की आदत डालो, जो सुनेगा तो वो सीखेगा, जो सुनता ही नहीं है बोल, जिसको बोलने का शौक है क्या सीखेगा। इस वक्त हमारे साथ बॉलीवुड जगत का एक बेहतरीन चेहरा और सबसे जाना माना चेहरा अवतार गिल सर हैं, एक्टर हैं। इन्होंने कम से कम 300 से ज़्यादा फिल्में की हैं बॉलीवुड में, और फिल्मों के साथ साथ इन्होंने सीरियल में भी काम किया है और पंजाबी भाषा में भी इन्होंने कई फिल्में की हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है भिलाई शहर में। शुक्रिया सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, सबसे पहले तो आप भिलाई आ रहे हैं और आपने बताया कि कम से कम 13 से 14 साल से आप भिलाई आ रहे हैं, तो सर छत्तीसगढ़ और भिलाई शहर आप कितना समझ में आया और कैसा लगता है ये शहर? भाई बड़ा अच्छा लग रहा है और बड़ी तेज़ी से तरक्की हो रही है, और मैं समझता हूँ किसी चीज़ की उन्नति के लिए, तरक्की के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है एजुकेशन, और एजुकेशन मुझे छत्तीसगढ़ का तो पता नहीं लेकिन भिलाई में तो पूरे उरूज पे है, क्योंकि जब मैं देखता हूँ संतोष राय को या उसके स्टूडेंट्स को काम करते या उनके बारे में सुनता हूँ पढ़ता हूँ तो मुझे लग रहा है कि बहुत ही बढ़िया काम हो रहा है, क्योंकि एजुकेशन से ऊपर कोई काम नहीं है। अब आज पता लगा कि डॉक्टर्स का और ये डायग्नोस्टिक सेंटर का, हॉस्पिटल का, वो बढ़िया काम हो रहा है। उसके बाद सीए जो है हिंदुस्तान में जितने बेहतरीन सीए हैं तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा लोग भिलाई से गए हैं, तो वो एक अपने आप में बड़ी चीज़ है। तो ये तो तीनों मेजर डिपार्टमेंट हैं, एजुकेशन, इनकम टैक्स और डॉक्टर, और इनका काम बहुत अच्छा हो रहा है और डे बाई डे बढ़ता जा रहा है। सर आपने थिएटर भी किया है सर, तो सर मैं अभी करता हूँ थिएटर, अभी भी थिएटर करते हैं, अभी भी थिएटर करता हूँ जी। तो मैं जानना चाह रहा हूँ सर कि जो थिएटर किया हुआ जो एक्टर होता है या फिर नॉन थिएटर किया हुआ जो एक्टर होता है, इनमें हम क्या पहचान सकते हैं? थिएटर किया हुआ आदमी होता है ना, उसमें कॉन्फिडेंस कुछ कमाल का होता है, दूसरा उसको डायलॉग्स एक बार पढ़ते ही याद हो जाते हैं, तीसरा वो कभी फेल नहीं होता, उसको किसी बड़े से बड़े दिग्गज के सामने खड़ा कर देंगे वो अपना काम सही करके आएगा, क्योंकि इतना कर चुका होता है, इतना मन चुका होता है, इतना कॉन्फिडेंस उसमें आ चुका होता है कि वो एकदम ट्रेंड हो जाता है थिएटर में काम करने से, क्योंकि आप लाइव ऑडियंस को फेस करते हैं, वहाँ रिटेक नहीं होता, एक बार कर्टन खुल गया तो आपकी मदद कोई नहीं कर सकता, तो वहाँ आपको पूरा बोलना भी है, और अगर आप भूल गए तो बेशक भूल जाइए, पता नहीं चल रहा है किसी को आप भूल गए और उसको कैसे संभालना है, तो थिएटर की ये ट्रेनिंग है। सर जो सीरियल होते हैं, जो नाटक किया जाता है, सीरियल जो आता है उसमें, और जो मूवी बन रहे होते हैं, तो उन दोनों के जो शूटिंग के दौरान जो होता है उसमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं सर? देखिए बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, लेकिन मैं आपको अगर आज एक लाइन में बात समझा दूँ, सिनेमा जो है वो डायरेक्टर्स का मीडियम है, जो डायरेक्टर चाहता है वो दिखाता है आपको, टेलीविज़न जो है वो राइटर्स का मीडियम है, जो राइटर लिखता है, राइटिंग होती है वो इम्पोर्टेंट है, और थिएटर जो है वो एक्टर्स का मीडियम है, वो जब खुल गया तो एक्टर के हाथ में, वहाँ ना डायरेक्टर कुछ कर सकता है ना राइटर कुछ कर सकता है, वो एक एक्टर्स का मीडियम है, तो ये तीन अलग मीडियम है और ये तीन आदमी के हिसाब से ये तीनों मीडियम चलते हैं। सर आप मास्टर क्लास भी लेते हैं एक्टिंग को लेकर, तो अब बच्चों में सर क्या वो इंटरेस्ट दिख रहा है, लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं आज की डेट में भी कि हमको एक्टिंग सीखना है और कुछ एक्टर बनना है या फिर अच्छे एक्टिंग फील्ड में अच्छा आगे जाना है? इंटरेस्ट थोड़ा कम ले रहे हैं, क्योंकि वो उनको आज की जनरेशन है, उनको शॉर्टकट चाहिए, उनको ओवरनाइट एक्टर बनना है, उनको जल्दी से अपना क्या कहते हैं बस फिल्म में चांस मिल जाए किसी तरह से, इसलिए। लेकिन वो जब तक आप सीखोगे नहीं तो फिर वैसे ही होगा कि 100 आदमी जाएंगे एक ही सिलेक्ट होगा, तो वो हर फील्ड में होता है, तो जो कितना कोई सीरियस करेगा अपने काम, अपने ऊपर काम, एक्टिंग के ऊपर काम, वो आगे सक्सेसफुल होगा, तो
तो जिस तरह क्लास में एक लड़का या दो लड़के ही फर्स्ट सेकंड आते हैं, बाकी बेचारे हमारे जैसे किसी तरह से गाइडेंस नकल मार के पास हो जाते हैं, तो ज़्यादा करके तो वैसे ही लोग होते हैं। आजकल का जो चलन चला है सर, ट्रेंड चला है 30 सेकंड के जो एक्टर हैं जो रील्स वगैरह में बनाते हैं, वो अपने आप को मतलब वो ये शो कर रहे हैं कि हम बहुत अच्छा एक्टिंग कर लेते हैं और हमारा 30 सेकंड हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। तो जो 30 सेकंड का जो और 1 मिनट वाला जो एक्टिंग चल रहा है उसको लेकर आपका ये कुछ नहीं, ये टेम्पररी है, दौर आता है हमेशा, हर चीज़ का दौर आता है, दौर चल रहा है ये। इससे लोगों को लगता है पैसे कमाए जा सकते हैं, यूट्यूब से लाइकिंग हो गया, लाइकिंग भी खरीद ली जाती है, सारा कुछ होता है। ये एक तरह से ये ड्रामा है, ये चल रहा है, इसका दौर है, पता नहीं 2-4 साल चलेगा, इससे आपको एक्टिंग में कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। सर मैं ये पूछ रहा था कि बॉलीवुड को आप कैसे देख रहे हैं, आप बहुत पुराने हैं, एक ट्रांजेक्शन आया है बहुत सारी चीज़ों का, गानों में आया है, लोगों को देखने का नज़रिया आया है, आजकल हिस्ट्री बेस्ड भी मूवी बनती हैं, तो आप किस तरह का चेंजेस देख रहे हैं? देखिए क्या है कि जब जब दौर बदलता है, जब जब नई जनरेशन आती है, तो अपने साथ हमेशा कुछ नया लेके आती है, इसीलिए हम कह देते हैं कि अब पहले वाली बात नहीं है। तो अभी आज की डेट में हम टेक्निकली बहुत एडवांस हो गए हैं और नए जो एक्टर हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत ट्रेंड हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कैमरामैन बहुत अच्छे आ गए हैं, एडिटर बहुत अच्छे आ गए हैं, आर्ट डायरेक्टर सेट लगाने वाले अच्छे आ गए हैं, अच्छी अच्छी लोकेशन हो गई, बजट बढ़ गया। अगर किसी चीज़ में थोड़ा काम कम हुआ और ज़्यादा होना चाहिए वो है राइटिंग में, राइटिंग में काम थोड़ा सा पहले की बनस्पत कम हो रहा है, अदरवाइज़ बाकी सब डिपार्टमेंट्स में पहले से हर चीज़ इम्प्रूव हो रही है। सर आपने 300 से ज़्यादा मूवी की है, सर कोई ऐसी एक फिल्म है जो आपको अब तक याद है और आपको लगा हो कि ये फिल्म मेरे से कभी नहीं छूटेगी, मतलब मेरे दिल से नहीं निकलेगी, मेरे आपके अंदर तक समा गई? नहीं, ऐसे तो बहुत सारी फिल्में हैं जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं, ऐसी एक फिल्म बताना मुश्किल है, क्योंकि मुझे जब जिस फिल्म में काम करता हूँ मैं पूरी ईमानदारी से करता हूँ, उसे अपनी समझ के करता हूँ और उसको उतनी ही तवज्जो देता हूँ मैं, ये बेकार है, ये घटिया है, ये सब नहीं होता, क्योंकि उससे आपको रोज़ी रोटी मिल रही है, तो आपको लॉयल तो होना पड़ेगा अपने काम से, उस फिल्म से, तो मुझे ऐसा कुछ मैं डिफरेंस नहीं करता। सर बॉलीवुड एरिया में ऐसा कोई पर्सनालिटी जो आपको लगा हो कि इनके साथ काम करने में मैंने बहुत कुछ सीखा और मज़ा आया? ऐसे बहुत सारे एक्टर हैं, आपको ऐसा कोई एक एक्टर नहीं होता, आप जिससे चाहें जब चाहें सीख सकते हैं, आप हर रोज़ सीख सकते हैं, एक्टर से नहीं आम आदमी से भी सीख सकते हैं। एक्टिंग क्या है, आम आदमी में जो दिन में देखते हैं आप, आम आदमी में वही आप स्क्रीन पे करते हैं, तो सीख तो आप किसी भी आदमी से सकते हैं और मैंने हर आदमी से सीखा ही है कुछ ना कुछ, आज यहाँ से भी बहुत कुछ सीख के जाऊँगा। हाँ ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसा नहीं होता कि एक आदमी वही सिखाएगा, आप किसी से भी सीख सकते हैं। आँखें खुली रखिए, कान खुले रखिए, मुँह बंद रखिए, बक बक मत करो, सुनने की आदत डालो, जो सुनेगा तो वो सीखेगा, जो सुनता ही नहीं है जिसको बोलने का शौक है क्या सीखेगा। जी सिर्फ एक अंतिम सवाल सर, कई बार बॉलीवुड में ना सर नेपोटिज्म का वो लगा हुआ है, आरोप लगता है परिवारवाद का, वो सारा बकवास है, नेपोटिज्म इनको एक लफ्ज मिल गया है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, लीडर का बेटा लीडर बनता है, जी सर, तो एक्टर का बेटा एक्टर बन गया तो कौन सी बुरी बात है यार, जी सर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनता है, बिजनेसमैन का बेटा बिजनेस, तो होगा, आप बचपन से अपने बाप को बड़े भाई को देखते आ रहे हैं तो कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में आपका बाप आपका पहला हीरो था वैसा आप बनना चाहते हैं, इसमें बुरी बात क्या है? और जो अपना इतने सितारे हैं वो किसी का बाप थोड़ी था, ये जो इरफान खान आए थे या ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी आए हैं या ये पंकज त्रिपाठी हैं, कौन सा नेपोटिज्म है इनमें, मनोज वाजपेयी है, कितने एक्टर हैं, तो अपने बलबूते पे बने, ये सब बकवास की बातें हैं, नेपोटिज्म एक लफ्ज मिल गया उसके साथ खेलते रहते हैं। अंतिम सर डॉक्टर संतोष राय सर के लिए क्या कहेंगे, वो लगातार इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं और आप आते भी? संतोष राय मेरा यार है, मेरा छोटा भाई है, उसके बारे में जितना बोलूं उतना कम है, बढ़िया आदमी है, मेहनती आदमी है, अच्छा काम करता है और ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं, मुझसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, ये सब जानते हैं उसको, सब करते हैं, बढ़िया आदमी है, दोस्त है, यार है। भिलाई शहर के लिए छत्तीसगढ़ के जितने भी तमाम युवा जो एक्टिंग सीखना चाहते हैं और एक्टिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश, लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे? ये आपने लास्ट लास्ट कह के तीसरा चौथा सवाल है। अरे भाई मैं कोई एक्टिंग का मैं कोई ऐसा नहीं हूँ कि गुरु घंटाल हूँ जो मैं बताऊँगा संदेश, मैं खुद संदेश ले रहा हूँ अभी तक, मैं किसी को क्या संदेश दूंगा एक्टिंग के बारे में, हर आदमी अपना रास्ता खुद बनाता है यार, और अपना रास्ता खुद ही बनाना पड़ेगा, मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा और कोई किसी की सुनता नहीं, मैंने किसी की नहीं सुनी, मेरी कोई क्यों सुनेगा,
जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आपने देखा, हमने कोशिश की सर से बातचीत करने की तमाम उन चीज़ों में जो एक बॉलीवुड में एक एक्टर अपनी एक्टिंग करियर कैसे शुरुआत करता है और उनको किन किन चीज़ों को समझना पड़ता है और देखना पड़ता है, उन सब सारे चीज़ों पर, उन सब सारे प्रश्नों पर हमने सवाल करने की कोशिश की है। उनको भिलाई कितना अच्छा लगता है, कितने बार वो आ चुके हैं, तो आपने देखा उन्होंने क्या कुछ बताया। लगातार इसमें क्या कुछ आगे अपडेट रहेगा हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए KP News के साथ बने रहिए और इस तरह के मज़ेदार चटपटे वीडियो आप तक लेकर आते रहेंगे। शुक्रिया।